Hello students, my name is Farooq Yusuf. I'm an IELTS trainer और मेरा ताल्लुक लाहौर पाकिस्तान से है. आपको IELTS की रीडिंग की इस वीडियो में मैं खुश आमदीद कहता हूँ. वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स की तरफ से हमें मौसूल होते रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन हमें IELTS की रीडिंग के हवाले से मौसूल हुआ वो ये था कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन करते हुए अटैम्प्ट करते हुए स्टूडेंट्स को, वो जनरल ट्रेनिंग हो या एकेडेमिक हो, स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल आती है और ख़ास तौर पर उनके ये आंसर गलत होते हैं, तो उसके ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे. वैसे बज़ाहिर ऐसा लगता है जब स्टूडेंट जब अटैम्प्ट कर रहे होते हैं कि जी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन बहुत मुश्किल है और वो नहीं मिलता, और ख़ास तौर पर फॉल्स में और नॉट गिवन में उनको इशू आ रहा होता है. लेकिन अगर आप मेरी टेक्निक पर अमल करेंगे तो मैं आपको गारंटी करता हूँ कि आपके तमाम आंसर ठीक होंगे. एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा. ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, इसके लिए हमने तरीकाकार ये है, IELTS की कैम्ब्रिज की बुक 9 टेस्ट 1 एकेडेमिक रीडिंग पेज नंबर 19 के ऊपर अगर आप आएँ, और साथ इसी स्क्रीन पे आपको ये शो भी हो रहा होगा, तो आपको आसानी हो जाएगी समझने के लिए. मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में आप बहुत अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं, कैसे आपके तमाम आंसर ठीक होंगे. तो सबसे पहले देखिए कि आपको नज़र आ रहा होगा कि सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं. क्वेश्चन नंबर 1 से 7, डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एग्री विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन रीडिंग पैसेज 1 इन बॉक्सेज 1 से 7 ऑन योर आंसर शीट. Write true if the statement agrees with the information, false if the statement contradicts the information, not given if there is no information on this. अब यहाँ पे जो बहुत आम है चीज़ करने वाली आपकी, वो ये है, आप इस पेज के ऊपर देख भी सकते हैं कि किस तरह से agree, word agree को आप दायरा लगाएंगे and circle करेंगे. इसके बाद फॉल्स के सामने दी गई स्टेटमेंट में वर्ड कॉन्ट्राडिक्ट को आप दायरा लगाएंगे यानी एनसर्कल करेंगे. इसके बाद नॉट गिवन के सामने दी गई स्टेटमेंट में दो वर्ड्स नो इन्फॉर्मेशन को आप दायरा लगा देंगे. आगे चलते हैं, ये टोटल 7 सवाल हैं. क्वेश्चन नंबर 1 से 7 मैं क्वेश्चन पढ़ता जाऊँगा और आप देखिए हमने किस तरह से इसमें दायरे लगाए हैं और इन्फॉर्मेशन को एनसर्कल किया है, और कैसे आप इसको फाइंड आउट करेंगे ये भी मैं आपको बताऊँगा. तो माइकल फ्रेडे, ये अब देखिए माइकल फ्रेडे को हमने अलग से दायरा लगाया है. वाज द फर्स्ट पर्सन, दूसरा दायरा. टू रिकग्नाइज पार्किंस एबिलिटी, तीसरा दायरा. एज ए स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री, चौथा दायरा. यानी एक स्टेटमेंट को हमने 4 हिस्सों में तकसीम कर लिया, उसके 4 पार्ट्स बना लिए. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में माइकल फ्रेडे सजेस्ट, एक दायरा. पार्किंस शुड नॉट एनरोल, दूसरा दायरा. इन द रॉयल कॉलेज ऑफ केमिस्ट्री, तीसरा दायरा. तो इस इंफॉर्मेशन को हमने 3 हिस्सों में तकसीम कर लिया. इसके बाद अब तीसरे सवाल पे आएंगे. पार्किन एम्प्लॉयड, पहला दायरा. ऑगस्ट विलियम हॉफमैन, दूसरा दायरा. एज हिज असिस्टेंट, तीसरा दायरा. यू इस स्टेटमेंट को भी हमने 3 हिस्सों में तकसीम कर लिया. चौथे सवाल की तरफ आएंगे. पार्किन वॉज स्टिल यंग वेन ही, पार्किन वॉज स्टिल यंग, एक दायरा. वेन ही मेड द डिस्कवरी, दूसरा दायरा. That made him rich and famous, तीसरा दायरा. पांचवें सवाल पे आइए, यानी इस स्टेटमेंट को भी हमने 3 हिस्सों में तकसीम कर लिया, डिवाइड कर लिया. पांचवें क्वेश्चन पे जाएंगे. The trees from which, पहला दायरा. Conan is derived, दूसरा दायरा. Grow only, तीसरा दायरा. In South America, चौथा दायरा. इस स्टेटमेंट को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया. अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे जाएंगे. सबसे पहले Perkin hoped, पहला दायरा. टू मैन्युफैक्चर ए ड्रग, दूसरा दायरा. फ्रॉम ए कोल टार वेस्ट प्रोडक्ट, तीसरा दायरा. यूं इस स्टेटमेंट को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे. पार्किन वॉज इंस्पायर्ड, पहला दायरा. क्वेश्चन नंबर 7, बाय द डिस्कवरीज, दूसरा. ऑफ द फेमस साइंटिस्ट लुइस पैस्चर, तीसरा दायरा. यूं हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे इसको. अब आते हैं टिप क्या है, ट्रिक क्या है, टेक्निक क्या है. देखिए तमाम स्टेटमेंट्स में हमने दायरे लगा दिए. अब इसी तरह अगर आप पैराग्राफ में जाएंगे, पैराग्राफ पढ़ना शुरू किया, उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड और इन्फॉर्मेशन को दायरे लगाने शुरू किए, लेकिन जो ही हम पहुंचे दूसरे पैराग्राफ में, तो एज ए स्टूडेंट एट द सिटी ऑफ लंदन स्कूल, पार्किन बिकेम इमर्स्ड इन द स्टडी ऑफ. अब यहाँ से हमने दायरा लगाया केमिस्ट्री, फुल स्टॉप. हिज टैलेंट एंड डिवोशन टू द सब्जेक्ट वर परसीव्ड By his teacher. अब यहाँ इस पूरी स्टेटमेंट को हमने एनसर्कल कर लिया,
और इनसर्कल करके हमें लगा कि ये शायद इस पहले सवाल का आंसर हो सकता है, तो हमने यहाँ पे इसके सामने लगा दिया कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो सकता है। इसी तरह हमने 1 by 1 तमाम स्टेटमेंट्स को पढ़ा, पूरे पैराग्राफ को पढ़ा, और जहाँ जहाँ इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मौजूद थी उसको हमने दायरा लगाया और साथ साथ उसका क्वेश्चन नंबर दे दिया कि ये इन्फॉर्मेशन फलां क्वेश्चन से रिलेटेड है, साथ हमने एरो की के साथ उसका क्वेश्चन नंबर भी दे दिया। यूँ 7 के 7 सवालों के हमने दायरे लगा के क्वेश्चन के आंसर्स को सेपरेट कर लिया, हाईलाइट कर लिया। अब टिप ये है कि आप अगर क्वेश्चन पेज पे जाएंगे और क्वेश्चन 1 की अगर आप देखें तो इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अगर ये 4 के 4 पार्ट्स पैराग्राफ में दी गई स्टेटमेंट में पूरे के पूरे इसी तरतीब के साथ मौजूद हों, हाँ आपका एग्जामिनर इसमें उसके लिए एक सिनोनिम यूज़ कर सकता है, लेकिन स्टेटमेंट सेम होगी, तो ये चारों के चारों पार्ट्स सेम टू सेम आपके पैराग्राफ में मौजूद हैं एक ही स्टेटमेंट में, तो आपका आंसर ट्रू है। अगर इसमें से कोई एक आध पार्ट क्वेश्चन का पैराग्राफ के स्टेटमेंट में मौजूद नहीं है तो आपका आंसर नो है या फॉल्स है। और इस आपके दी गए क्वेश्चन के कोई दो पार्ट्स पीछे पैराग्राफ में दी गई स्टेटमेंट में मौजूद नहीं है तो आंसर नॉट गिवन है। जैसे कि इस पहले क्वेश्चन में भी हम देख सकते हैं कि माइकल फ्रेडे ये मौजूद है, वॉज द फर्स्ट पर्सन to recognize Perkins' ability as a student of chemistry. अब इन तमाम बातों में अगर आप गौर से देखें तो आपको जो information नहीं मिलेगी वो आपको statement पढ़ने से पता चलेगा कि his talent and devotion to the subject were perceived by his teacher Thomas Hall. जबकि यहाँ लिखा गया है Michael Frede was the first person to recognize Perkins' ability. यानी Michael Frede पार्किन की एबिलिटी फाइंड करने वाला पहला बंदा था, जबकि इसके बरक्स यहाँ लिखा हुआ है कि थॉमस हाल वो पहला आदमी था। तो इसका मतलब है ये इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली नेम चेंज की वजह से कॉन्ट्राडिक्ट कर गई। तो जब भी एक वर्ड चेंज होगा वो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्राडिक्शन में चला जाएगा, दो वर्ड इसमें से अगर चेंज होंगे वो नॉट गिवन के सेंस में चले जाएंगे, और अगर ये तमाम स्टेटमेंट्स इसी तरह पार्ट्स मौजूद होंगे तो ये आपका आंसर ट्रू होगा, और ये इंस्ट्रक्शन जो कैम्ब्रिज की तरफ से दी जाती हैं उसके ऊपर भी पूरा उतरेगा। आप इस टेक्निक को अप्लाई करके देखिए, कोशिश कीजिए, इन क्वेश्चंस को भी बुक में जाके इसी तरह फाइंड आउट कीजिए, इस दी गई जो हमने आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं इसको भी सामने रखिए और इस तरीके से 3 या 4 टेस्ट अटेम्प्ट करके देखिए, यू विल बी सरप्राइज टू सी द रिजल्ट्स। आपके तमाम ट्रू फॉल्स नॉट गिवन ठीक होंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी कीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ख़ास तौर पर हमने IELTS TV के नाम से एक वेब चैनल शुरू किया है जहाँ पे आप अनकरीब लाइव प्रोग्राम्स भी देखेंगे बहुत सारे IELTS के ऊपर, जो आपको बहुत हेल्प आउट करेंगे। और साथ ही साथ एक बात का ख्याल रखिए, अगर आप ये सारी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई इशू आ रहा है तो इसी वीडियो में हमारे टेलीफोन नंबर, व्हाट्सएप का नंबर, हमारा वेबसाइट का एड्रेस, ये तमाम दिए गए हैं, आप हमसे हेल्प ले सकते हैं बगैर किसी फीस के। और अगर आप अपनी राइटिंग और स्पीकिंग को एवेल्यूएट कराना चाहते हैं, आप समझते हैं कि आप उसमें कौन सी मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिए, हम उनको एवेल्यूएट करेंगे, उनके एनालिसिस करेंगे, आपको अच्छी अच्छी उनके लिए टिप्स भी देंगे और आपको ये अंदाज़ा करना भी आसान हो जाएगा कि आप अपनी तैयारी के किस लेवल के ऊपर खड़े हैं। थैंक यू सो मच।